तो ईमान से चली गई है और आपको सभी को पूरी वीडियो देखना है तभी समझ में आएगा वीडियो। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अजी, ऐसा आ जाएगी मेरे हाथ में, इतना मोटा हाथ है, ऊपर में आएगी। ए मम्मी हमें देख लेना पैर के। पहन ले क्या आपने सुना? मम्मी पहन लिया आपने? पहन ली क्या चूड़ी? हाँ ये साथ में पहन ली है, माता के मंदिर पे से थी तो ये नहीं निकाली मैंने, छोटी भी है और चूड़ियां ये हैं मैचिंग की। मैं महरूम लेने गई थी, जैसे कि मैंने बताया था कि महरूम लेके आऊंगी, लेकिन मुझे ये मिल गई थी तो मैंने यही ले ली। और नहीं तो मैंने पिछली बार भी है ना सूट, कोई सा भी सूट तो मेरा लाइट कलर का ही है तो। और अभी दिखाऊंगी मैं आपको, मेहंदी तो आपने मेरी रात ही देख ली थी तो ये मैंने लगाई है मेहंदी घर पे ही। और पहले तो हमारे मेहंदी का कुछ था ही नहीं, बस पिछली बार भी लगाई थी और इस बार ये जैसी भी मुझसे उल्टे हाथ से बनी है मैंने ये लगा ली थी। और मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, अभी दिखाती हूँ आप सभी को। जब मैं मेहंदी लगा रही थी मम्मा बोल रही थी कि बेकार लगा, मम्मा मेरे पे हंस रही थी कि इतनी बेकार बना रही है, लोग मेरी तारीफ करने लग गई थी मम्मा। तो मैं अंधेरे की साइड बैठी थी, अब दिखा देगी मुझे हिमांशी। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? ऐसा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। और बस ये सिंपल सा ही सूट, जैसे कि मैंने बताया था मेरे ज्यादातर सूट इस बार मैंने सारे लाइट कलर के और बिल्कुल मतलब कढ़ाई वट है तो ये भी खैर सस्ता नहीं है लेकिन सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। ये वाला सूट बढ़िया लग रहा है और चुल्ली भी इस तरह की है, बस इसमें ये लगा हुआ है ये डिजाइन है, बाकी पूरी सिंपल है। और अगर गांव गई तो गांव में तो मैं ये ओढ़ भी नहीं सकती क्योंकि छोटी है ये देखो साइज में। तो चलते हैं हम छोटी मम्मी के घर और जो भी हमसे सूट होगा वो हम सूट करेंगे। और आप सभी को वीडियो तो पता नहीं कब जाएगी, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ और खुश रहिए मस्त रहिए और देखते रहिए व्लॉग रेखा गुज्जर फैमिली व्लॉग। दोस्तों ये तो मैंने लोटा और चुन्नी ले ली है जाने के लिए और मेरे तब भी याद आ गया ये मुझे कई साल मतलब 2-3 साल हो गई, बुआ ने ना मुझे पायल दी थी, चांदी की पायल है ना मेरी, छोटी आ गई मेरे पैर में आने रही थी तो मैंने पहनी भी नहीं है और बस रखी हुई है काफी टाइम से, वो चेंज करूंगी तो आज मैं इन्हें पहनती हूँ। ये चांदी की नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है पहन के और मुझे आ गई थी, मैंने एक दिन चेक करके देखी थी फिर मैंने सोचा करवा चौथ पे पहनूंगी तो पहन लेती हूँ। और ये चूड़ियों के डब्बे आके पैक करके रख दूंगी, ये तो मैंने इस तरह की पहली बार पहनूंगी। वही हिमांशी खा रही है अभी खाना, बस यही वीडियो बनाएगी किस तरह से लगती है मुझे पता नहीं है, इस तरह की मैंने पहली बार देखी है तो बस यही लगाने में थोड़ी परेशानी हो रही है ठीक है जी। और लग जाएगी तो हम आपको दिखाते हैं अभी। मेरी वीडियो बढ़िया नहीं बन रही है, कैसे हम खाना खा रहे हैं मेरा तो साथ कर रहा है। ये देखिए भाई कैसी लगी बताना, क्योंकि पैर मेरा पतला है ना मोटा मोटा कैसी लगी? और दूसरी भी पहन लेती हूँ मैं अभी, दूसरी भी मैं अभी पहन लेती हूँ इसको भी, क्योंकि मम्मा को आ गया पहनना। भाई देखो अब आ गया मुझे पहनना, पहनना तो मुझे जब भी आ रहा था पता तो था इस तरह से, लेकिन पैर मोटे मोटे है ना तो जब इनके लिए तो अलग से ही बनवानी पड़ेगी। वैसे जब मैं पतली थी ना तब भी मेरे पैर पतले नहीं थे मतलब अच्छे थे। ये देखिए बताओ भाई मेरी पायल कैसी लगी, पायल बताना सभी कमेंट करके, बुआ जी ने कैसी पायल दी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने बहुत देखा था कि गोल्ड की पायलें पहनती है, मैंने पहली बार पहनी है। मम्मी मैं आपकी वीडियो बनाते बनाते खाना भी खा रहा हूँ, चलो तो चलते हैं परली तरफ। बाय बाय। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? तो चलते हैं मम्मी के घर। राम राम तो मैंने पहले भी कर ली थी जब मैं अंधेरे में खड़ी हुई थी, अब देख लो मेरा पूरा लुक किस तरह का, मतलब सिंपल सा ही सूट है और पर अच्छा लग रहा है, मतलब
मुझे अच्छा लगा था, मैं अपने पसंद के लेके आई थी। और आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। वो कलर, वो रेड, तो मेरे पास एक सूट मेरे पास रेड रखा हुआ, मैं 2-1.5 साल पहले बुआ ने दिया था, मैंने वो आज तक सिलवाया नहीं। मुझे शर्म आती है रेड कलर के सूट पहनने से, मतलब अजीब सा लगता है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसे, मतलब अपने आप ही बड़ी शर्म सी आने लगती है। तो आप सभी के साथ फिर मम्मी के घर चलते हैं। और हिमांशी को भी है ना, आज मैंने येलो कलर का दीशू का है ना, ये छोटा हो गया था कुर्ता टाइप में, मतलब शर्ट है, तो वो मैंने हिमांशी को पहना, बड़ी सुंदर लग रही है। तो इस बार मैंने हिमांशी के दीशू के बहुत सारे कपड़े पहली बार हिमांशी पहन रही है, नहीं हिमांशी पहनती नहीं थी, फिर मैं दे देती हूँ। तो मिलते हैं फिर आप सभी से मम्मी के घर जाके, और जो भी हमसे सूट होगा वो हम सूट करेंगे। और आप सभी को वीडियो, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छी ही लगेगी, और मेरा भी सूट, मुझे कल से टेंशन हो रही है कि मेरा सूट बड़ा मतलब लाइट से कलर गया, तो आप सब बताना कि अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है सूट मेरा। चुन्नी भी, मतलब चुन्नी मेरी वैसे लंबी बहुत है, लेकिन चौड़ाई में इस साइड से कम है। अगर घूंघट करूं तो, वैसे वहां तो मुझे घूंघट नहीं करना है, लेकिन अगर गांव में जाऊं ससुराल में तो थोड़ी सी है, पर मैं कभी कभी जाती हूं, कभी कभी मतलब साल हो जाएगा मुझे दिवाली पे कहीं ऐसे वैसे ही जाना होता है। चलो फिर मिलते हैं भाई घर जाके। ले गई मम्मी मेरी पटाखे। भाई ये खुले कैसे है मम्मी, ऐसे थोड़ी ना आएगी नहीं, देखना पड़ेगा भाई। राखी बहुत मिले हुए ऐसी महंगी महंगी लिया मैंने इधर ही रहे, एक दो बार पहनी तो मैंने, सुंदर लगे हैं मेरे मोर मोर की। हैप्पी करो चौथी, थैंक यू। अजी ऐसा आ जाएगी, मेरे हाथ में इतना मोटा हाथ है, ऊपर में आएगी हमारे नॉट अप क्या है ए मम्मी, हमें देख लेना पैर के। नहीं और नहीं बोलो, ये सजी धैर्य से भाई होम खड़ी को लॉन्ड एग्जाम था मैंने हम लोग गिफ्ट गैस लेट गोल्ड ब्रेड बहुत ही मम्मी मानसी का गिफ्ट है मम्मी की तरह तरफ से, और रीना ने मुझे दे दिया है, मैं इसे रख लूंगा। अब ये हिमांशी का है, वैसे मम्मी हिमांशी के लिए लेके आई है। आ जाओ फिर तब इधर है, लग गया है और ये चोटी से पैसा मुंह खड़ा तरीके से बैठ के लो सासू मां के शिकल तो लिया मम्मी की, शिकल को कहा शिकल देख लियो तो अपने खुशी के मार। बहुत अच्छा लग रहा प्रिंटेड, कैसे कैसे खुलती है दिखा। हाँ, मैं तेरी वीडियो भी बनाऊंगी, मुझे तो कुछ नहीं पता कैसे खुलती है। मैंने सुना है तुम माचिस से भी चलावे, कैसे चलावे भाई पहले ये बता। मुझे तो नहीं मारेगा ना, मुझे तो नहीं मारेगा, मुझे मारेगा तो नहीं। अरे नहीं मैच मैच स्टिक चलती है। अच्छा मारना मत बेटा, मुझे डर लग रहा है, कुछ है नहीं इसमें, अगर कुछ होगा तो मारेगा तो नहीं ना, ज्यादा हो गया लड़के के साथ। सुबह को जब जा रहे हैं, जब जा रहे हैं वैष्णव आप जा रहे हैं, तब शुरू हो गई थी फिर दर्शन तो बढ़िया करवा थी, थोड़ी देर होकर फिर बंद होगी, पटना में आपकी बहन फिर जैसे बड़ी मम्मी नहीं होएगी, पूरे एंगल लेके पूरी शिद्दत इतनी कहते हैं मम्मी के चल रहे हैं, मम्मी तो चल रहे हैं बैग थार तो कहीं सूटकेस खैर मुझे को कहना पड़ेगा। हाँ अब हम जा रहे हैं, पता है हम जा रहे हैं।